हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त मोनिका आज आपके सामने फिर से एक नया डिज़ाइन लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो देखिए, मैंने अपने पीस कट कर लिए हैं, तो मैं आपको इनका नाप बता देती हूँ। ये मेरे 4-4 इंच के दो पीस हैं, एक पीस ये और एक पीस ये मेरा 5 इंच का एक पीस है, 5 इंच का। ये मेरे 4 पीस हैं जिसकी चौड़ाई 2.5 इंच है और जिसकी लंबाई 7 इंच है। ये मेरे 5 पीस हैं जो 3.5-3 इंच के हैं। ये भी मेरे 3.5-4 इंच के पीस हैं जो 4 पीस हैं। ये मेरे 2.5-2.5 इंच के पीस हैं जो 5 हैं। और ये भी मेरे 2.5-2.5 इंच के पीस हैं जो 3 हैं। तो अब मैं सबसे पहले हम इन पीस को अलग करेंगे और इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे। तो हम इनको फैला लेते हैं, इनको रखते हैं थोड़ा साइड में ताकि हम आगे का डिज़ाइन शुरू कर सकें, और इन दोनों को भी हम सिलेंगे फ्रेंड्स। तो ये दोनों पीस हो गए हमारे, और ये 2.5-2.5 इंच के हम ऊपर रख लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से अब हम इनको फैला लेंगे। ये हो गया और एक ये भी पीस तैयार हो गया, और ये हमारे 5 पीस हैं। तो हम इसमें से एक पीस निकाल लेते हैं, उसको हम साइड में रख लेते हैं। अब हम बाकी के पीस इसके ऊपर रखेंगे और स्केल की मदद से लाइन लगाएंगे और इनको डबल शेड का पीस बनाएंगे फ्रेंड्स। फिर बाद में ये हमें तैयार होके 2.5 इंच नापेंगे जब हमारा ये सिल जाएगा। तो हम पहले निशान लगा लेते हैं। तो देखिए, हमने स्केल ले लिया और ये हम निशान इस तरीके से लगाएंगे फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरीके से हमें इस तरीके से निशान लगाना है फ्रेंड्स। अब हम बीच की लाइन को छोड़ के साइड साइड में सिलेंगे और बाद में हम इसको कट करेंगे। तो ऐसे ही मैं इन पर निशान लगा लेती हूँ, इस पर निशान लगा लेती हूँ, फिर आपको सिल के दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे ये सारे पीस सिल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसको कट करेंगे। तो ये देखिए मैं कट कर रही हूँ, बीच की लाइन जो मैंने लगाई थी उसी पर हमने कट किया है। तो इस तरीके से ये पीस हो जाएगा। तो ये हो गए, हम इनको भी ऐसे ही कट कर लेते हैं। तो हम इन पीसों को कट कर लेते हैं और इनको अच्छी तरीके से प्रेस कर लेते हैं। या तो आप प्रेस कर लीजिए फ्रेंड्स, या आप इस तरीके से प्रेस कर लीजिए। ये देखिए, ये देखिए हो गया ओपन। तो ये हो गया फ्रेंड्स, ऐसे ही हम इसको कट कर लेते हैं, इसी तरीके से खोल लेते हैं। और ये वाले पीस हमारे 2.5-2.5 इंच के हिसाब से हम इनको तैयार कर लेंगे। तो हमारा ये 2.5 इंच का फुट आ गया। हम इसको इस तरीके से तैयार करेंगे कि ये नोक और ये बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से होना चाहिए फ्रेंड्स। और फिर हम इसको इस तरीके से निशान लगा लेंगे जिससे कि हमारी नोक भी ख़राब ना हो और हमें जितना चाहिए उसी हिसाब से हमारा तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। ये देखिए, ये हमारा जो एक्स्ट्रा है हम इसको कट कर लेंगे। तो ऐसे ही हम ये वाले पीस तैयार कर लेंगे। और ये जो हमारे 2 पीस हैं, इसमें से हमें सिर्फ 1 पीस की ज़रूरत है। तो हम 1 पीस को साइड में कर देते हैं और इस पीस को लेंगे, इसे खोल लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से, अब जो हमने ये एक्स्ट्रा पीस रखा हुआ था अब हम इसको रखेंगे इसके ऊपर, और हम ऐसे ही निशान लगाएंगे क्योंकि हमें ये सिलना है फ्रेंड्स। तो ये देखिए इस तरीके से, तो हमें इसी जगह पे सिलना होगा फ्रेंड्स जैसे मैंने ये लाइन लगाई हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमें बीच की लाइन को छोड़ के साइड साइड में सिलना है। तो मैं इसको भी कर लेती हूँ फ्रेंड्स, इनको भी कर लेती हूँ, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पीस कट हो गए हैं। अब हमें ये वाला पीस कट करना है। तो देखिए ये मेरा सिल गया है और अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये कट कर लिया है और ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये हमारे 2 पीस तैयार हो गए हैं। ऐसे ही ये हो गया फ्रेंड्स, और ऐसे ही ये हो गया। तो हम इसको भी 2.5 इंच का तैयार कर लेते हैं। तो पहले मैं इस पर
प्रेसिंग कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ओपन कर लिया है। अब इसको भी हम 2.5 इंच नाप लेंगे। तो हम इस तरीके से नापेंगे फ्रेंड्स कि देखिए कि ये कोना हमारा यहाँ से मिला हो और इसका ये कोना यहाँ से मिला हो, ये कोना यहाँ से मिला हो। तो इस तरीके से हम इसको पहले सेट कर लेते हैं और फिर हम इस पर निशान लगा लेते हैं ताकि हमारा जो एक्स्ट्रा है उसको हम निकाल सकें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा तैयार हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, तो ऐसे ही हम इसको भी कर लेते हैं और इसको कट कर लेते हैं। तो कट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये पीस भी तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिज़ाइन सेट करेंगे क्योंकि हमारे पीस सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो हम डिज़ाइन सेट कर लेते हैं फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, मेरा एक पीस गलती से रह गया था, उसे मैं आपको बता नहीं पाई। तो मुझे दो पीस ये लेने हैं, तो ये 3.5-3 इंच के हैं। तो हम जैसे हमने ये बाकी के पीस सिले थे, इसको हम इसी तरीके से सिलेंगे और हमें दो पीस तैयार चाहिए। तो मैं दो पीस तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं आपको पूरा तरीके से डिज़ाइन दिखाऊंगी फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अपना डिज़ाइन सेट कर लिया है। तो ये डिज़ाइन इस तरीके से बनेगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पीस है हम इसको सिल लेते हैं और इस वाले को भी हम सिल लेते हैं इस तरीके से। तो पहले हम ये दो पीस सिल लेते हैं फ्रेंड्स, फिर आगे का दो दो पीस करके सिलेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाला पीस और ये वाला पीस हमारा सिल गया है। अब हम क्या करेंगे, हम ऐसे सिलेंगे फ्रेंड्स, इसको यहाँ रखेंगे और सिलेंगे। इसको भी हम ऐसे करेंगे कि यहाँ से सिल देंगे और ये पीस भी हम इसी तरीके से सिल देंगे। तो ये जब हमारे हो जाएंगे फ्रेंड्स, तो इनको भी हम इसी तरीके से कर लेते हैं फ्रेंड्स कि इसको यहाँ रख के सिल लेंगे और इसको भी साथ के साथ सिल लेंगे इस तरीके से। इसको भी ऐसे करेंगे फ्रेंड्स कि इसको यहाँ रख के सिल लेंगे और इसको भी यहाँ करके सिल लेंगे। तो पहले हम ये वाला पीस और ये वाले पीस सिल लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये वाली लाइन भी कंप्लीट हो गई है और ये वाली भी कंप्लीट हो गई है। आप चाहे तो फ्रेंड्स पूरी लाइन से एक एक लाइन सिल के इसको कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे पीस डिफरेंट से अलग ना हो जाए, इसीलिए मैंने इस तरीके से सिलना सही समझा। अब हमारे ये पीस हो गए हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस पीस को ऊपर वाले से सिलेंगे इस तरीके से। जो हमारा एक्स्ट्रा होगा हम साइड में कर देंगे। तो हम यहाँ से सिल लेंगे फ्रेंड्स, और इसे सिलने के बाद ये वाला पीस हम इसके ऊपर रखेंगे, जॉइंट से जॉइंट को मिलाएंगे। और कपड़ा मैंने आपको बता ही रखा है फ्रेंड्स किस तरीके से लेना है, एक का इधर करना है तो दूसरे का इधर करना है। तो इस तरीके से हम इसको भी सिलाई लगा देंगे और ये कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हो गया फ्रेंड्स। फिर हम ये वाला पीस लेंगे और इसको इसके ऊपर रख के यहाँ से सिल देंगे। ये जब हो जाएगा हमारा फ्रेंड, तो हम इसको इसके ऊपर रखेंगे, फिर हम इसको यहाँ से सिल देंगे। तो ये भी पीस हो जाएगा फ्रेंड्स, फिर इसको हम इसके ऊपर पढ़ लेंगे। तो पहले मैं यही सिल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये वाला भी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस पे रखेंगे यहाँ पे, जॉइंट से जॉइंट को मिलाएंगे। जो हमारा ये थोड़ा एक्स्ट्रा होगा उसे हम साइड में कर देंगे और यहाँ से जॉइंट मिला के हम इसको सिल देंगे। सिलने के बाद हम इस तरीके से इसको पलट देंगे। और जो ये हमारी लाइन है, इसको हम इस तरीके से करेंगे कि पहले हम इस पीस को रखेंगे, यहाँ से सिल देंगे, पलट देंगे, फिर इसको भी यहाँ से सिलेंगे और पलट देंगे। सेम ऐसे ही करते चलेंगे फ्रेंड्स, इसको भी सिलेंगे, पलट देंगे। तो ऐसे ही करके हम ये बारी बारी करके पूरी लाइन ऐसे ही सिल लेंगे फ्रेंड्स। तो ये लाइन भी हमारी हो गई, ये भी हो गया। और अब ये जो हमारे पीस हैं इसको भी हम ऐसे सिलेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जॉइंट से जॉइंट को मिलाएंगे और ऐसे सिल देंगे, और फिर इसको भी यहाँ से जॉइंट को मिलाएंगे और यहाँ से सिल देंगे। तो ये हमारे सिल गए। फिर हमारा ये पीस रहेगा फ्रेंड, यहाँ पर भी हम जॉइंट से जॉइंट को मिलाएंगे और यहाँ से सिल देंगे। तो हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो जाएगी। तो हम ये लाइन और ये लाइन, हम तीनों लाइन कंप्लीट कर लेते हैं फ्रेंड, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे हो गए हैं पीस। अब हम इसको इस पर पलटेंगे और जितने भी ये जोड़ हैं हम इन सब पर पिनअप कर लेंगे, और फिर हम इसके बाद इसको ऐसे सिल देंगे। सिलने के बाद फ्रेंड्स, जब ये ओपन हो जाएगा तो हम इसको भी ऐसे ही रखेंगे कि इसको हम इसके ऊपर रखेंगे, और जो हमारी ये जोड़ है
हम इन पे पिनअप करेंगे और फेस के ऊपर यहाँ से इसको सिल के निकाल देंगे इस मशीन को। तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है और ये देखिए, ये मेंढक का डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। मैंने इसकी आँखें चौक से बनाई है फिर आपको दिखाने के लिए। आप इसको कलर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, या कोई सितारा या कोई कढ़ाई वगैरह कर लीजिएगा, वरना आप पेंट कर सकते हैं। तो ये देखिए, जो भी मेरा एक्स्ट्रा था वो मैंने कट कर लिया है और ये बिल्कुल कंप्लीट तैयार हो गया है फ्रेंड्स। देखिए, तो आप भी ऐसे सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाइए और बच्चों को खुश कीजिए, खुद खुश रहिए और ऐसे ही खूबसूरत डिज़ाइन को, मेरी वीडियो को देखते रहिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी के लिए बाय।